ओके, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू एक्सरसाइज 2.7। इसके जो दो चार पांच सवालात रह गए थे कल करने से, वो इंशाल्लाह आज हम कंप्लीट कर लेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 से, ठीक है। सबसे पहले पावर्स को देखी जाएगी कि पावर्स आपके पास क्या दी हुई हैं, ठीक है। उसी हिसाब से हमने बेस को क्या करना है, फैक्टर्स में तोड़ देना है। यहाँ पे आपके पास 3 पावर है, यहाँ पे आपके पास 2 पावर है, यहाँ पे भी आपके पास 2 पावर है। देखिए 216 किसका क्यूब होता है, 6 6 36 36 6 216। तो 216 आपका 6 का क्यूब लिख सकता हूँ मैं। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 5 25। ओके, 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ये बताइए, नेगेटिव पावर आ रही है, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 25 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे लिखते हैं क्या, नहीं लिखते हैं। तो 25 की पावर 3/2। ओके, हो गया यहां तक, सही है ये। अब ये देखिए 3 से 3 क्या हुआ, ये 2 से 2 क्या हुआ, ओके 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, और नीचे क्या बचेगा बेटा, ये भी क्या होता है 25, 5 का स्क्वायर। तो इसको भी मैं 5 का स्क्वायर लिख दूंगा, और बाहर क्या पावर आ गई, 3/2, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल। 6 का स्क्वायर, 5 की पावर क्या बची, 3, सही है यहां तक। ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर नीचे हैं, ऊपर नीचे है ना, बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो, 5 और 5, बेसिस सेम है, पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट। ये देखिए बड़ी पावर कहाँ है, नीचे है, ऊपर है, नीचे है, तो नीचे लिखेंगे फिर 5 की पावर 3 माइनस, जहां बड़ी पावर होगी वहां कीजिएगा, ठीक है। नीचे लिखूं चाहे ऊपर लिखूं, बात एक ही होती है वो, ठीक है, होंगे माइनस ही। लेकिन हम ये देख लेते हैं कि बड़ी पावर कहाँ है, तो बड़ी पावर कहाँ है बेटा, नीचे है, तो ये नीचे जाके माइनस होगा। इसकी 1 पावर है, इसकी 3 पावर है, 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 क्या होता है, दोनों पे स्क्वायर लगा हुए, स्क्वायर से रूट क्या होता है, क्या बचा, 6/5 रिक्वायर्ड आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट है, टू मिनट्स में इसको लिखें, आगे बताता हूं फिर। नो, अच्छा जनाब, अब एक सवाल बुक का रह गया, 2 सवाल आउट ऑफ बुक हैं, वो मैं करवा देता हूं अभी, ठीक है। इसी एक्सरसाइज के 3 सवाल अब हमने और करने हैं, बस इन सवालात की प्रैक्टिस कर लेनी है आप लोगों ने सारे, सही है। (27^2n/3)(8 n/3), उसके बाद 18^-n/2। में आए छोटी सी होगी, 2005 में, है ना, इतने इतने से हो गए तुम लोग इतने इतने से हो गए। चलें क्वेश्चन नंबर 5। हाँ तो 5 ये नहीं कराए थे ना कल। 27 किसका क्यूब होता है, 3 3 3 9 9 3
इसको तोड़ लेंगे 3 का क्यूब, ये हो गया बेटा 2n अपॉन 3। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब। नीचे क्या आएगा आपके पास? 18। 18 किसी का स्क्वायर या क्यूब होता है? नहीं होता, तो उसके फैक्टर्स ने इसको तोड़ेंगे। ये देखिए कैसे, 2 3 6 6 3। ठीक है, सारे अब जो सवाल है हमारे पास उसको 2 और 3 की फॉर्म में है, देख लें। बेस में 2 और 3 के अलावा और कुछ नहीं आ रहा, सही है। अब ये देखिए, ये 3 से 3 क्या हुआ, ये भी 3 से 3 क्या हुआ। अब एक चीज देखिए, ये तो मैंने लिख दिया 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -n, यहां तक ठीक है ऊपर वाली चीज। नीचे देखिए, ये जो -n/2 है, ये जाहिर सी बात है सबके साथ है, जितनी भी टर्म्स अंदर हैं ये सबके साथ है। तो मैं 3 के साथ अलग लिख दूं, 2 के साथ अलग लिख दूं, ऐसा पॉसिबल है? कोई ऐसा मसला थोड़ी है, यानी मैं ब्रेक करके लिख देता हूं। ये देखिए 2 की पावर क्या हो गई, लिख सकता हूं, यानी ब्रेक कर दिया मैंने। कितने 3 हैं? 2 3 हैं, तो 3 स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। 3 स्क्वायर की पावर -n/2, ये देखिए ये भी 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। अब ये देखिए, अब जो समझने वाली चीज है वो ये है, यहां देखिए आप 3 की पावर 2n है और यहां पे क्या है, -n है, ठीक है। ये देखिए बेसिस सेम है, देखें 3 और 3 पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। तो ये देखें 2n और ये माइनस के साथ -n, सही है। ये फॉर्मूले वाला माइनस आ गया, और ये वाला जो उसका अपने साथ था पहले से था ना, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय, ये 2 और 2 भी बेसिस सेम है, सही है। पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट 2 की पावर -n - n/2, सही है, ठीक है। यानी दोनों पावर्स को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। माइनस माइनस प्लस, यानी 2n और ये माइनस माइनस क्या बना देता है, ठीक है। इधर भी देखिए माइनस माइनस प्लस n/2 हो जाएगा, ये ओके हो गया, ठीक है। ये तो सिंपल क्या हो जाएगा, 2n + n 3n, 3 की पावर क्या हो, इधर लिख देता हूँ ताकि नजर आ जाए बेटा, 3 की पावर क्या हो जाएगी, 3n। मल्टीप्लाई बाय, इसको ज़रा रफ वर्क में सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए -n + n/2, ये ऐसे है ना, पावर सॉल्व कर रहा हूँ, पावर में ही आएगा। ये एलसीएम लीजिए ज़रा, क्या होगा, ये साइड पे लिख लीजिएगा ये प्लीज़, 2n - 2n + n, और नीचे क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया भाई, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये तो इसके नीचे तो 2 है, तो n ऐसे ही आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा, 2 अंदर 2, ठीक है। माइनस प्लस माइनस होगा, दो में से एक निकालिए कितना बचेगा, 1, और साइन किसका आता है, बड़े नंबर का, तो माइनस का आएगा। 2 बड़ा है या 1, 2 बड़ा है, तो इसलिए कौन सा साइन आएगा, माइनस साइन आएगा। तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, -n/2, यही आ रहा है ना मेरा आंसर, ठीक है। मतलब इसको साइड पे करके चेक कर लिया क्या पावर बन रही है, क्या आ गई, -n/2। और पावर को पॉजिटिव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे लेके चला जाऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए 2 की पावर, ठीक है आंसर। बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा इस सवाल की। हेडिंग डालिएगा आउट ऑफ बुक क्वेश्चंस।
ये नहीं है, ये तो बुक का ही है, अब करा रहा हूँ। इसके बाद जो सवाल आए हैं वो बुक से बाहर के हैं और पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। हाँ आए हुए, बाकी सारे तो बुक के ही हैं जो कराए हैं मैंने, ठीक है, वो सब भी आए हुए हैं। और इसके साथ साथ ये दो पार्ट करा रहा हूँ, ये भी आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी वाइंड अप, फिर 2.8 पे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। दो रह गए बस, मिटा दूँ ये। सिंप्लीफाई, सी हेयर, बेसिस सेम है, पावर्स क्या होंगी, डिवीजन में क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट, एक्स की पावर 2a माइनस, सही है, एनी प्रॉब्लम, ओके। मल्टीप्लाई इधर भी यही करूंगा बेटा, एक्स की पावर यानी जो भी पावर होगी वो ऊपर जाके क्या हो जाती है, माइनस, एक्स की पावर ओके। उसके बाद 2a माइनस a कीजिए, जरा क्या आएगा बताइए, a माइनस b x की पावर, सही, और x की पावर 2c माइनस c बचेगा, 2a, 2a में से एक निकाल दें एक बचेगा, 2b में से एक b निकाल दें एक b बचेगा, और 2c में से एक c निकाल दें एक c बचेगा, बाकी सब अपनी जगह हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ये देखिए, ए से ए, सी से सी, एक्स की पावर क्या बची, कौन बताएगा, जीरो, और किसी भी चीज की पावर अगर जीरो हो तो वो किसके बराबर होता है, वन के, वन इज योर आंसर। हरी अब जल्दी लिख लें, फिर अगले अगला हूं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। Then
स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले रूट खत्म करना है, क्या करूँगा बताइए। ब्रैकेट में पावर आ जाएगी, क्या पावर आएगी कौन बताएगा? वन अपॉन, क्योंकि कुछ नहीं है तो मैंने बताया था क्या आता है, टू। ओके ये देखिए, ये इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। ए बन रहा ए अपॉन टू, बी बन रहा बी अपॉन टू, बी बन रहा बी अपॉन टू, सी अपॉन टू एंड सी अपॉन टू, हेयर ए अपॉन टू। ओके ये देखिए, एक्स ए अपॉन टू से एक्स ए अपॉन टू क्या हुआ, कैंसिल। एक्स बी अपॉन टू से, ठीक है, और इसी तरह से सी अपॉन टू से, बताइए जब डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है, वन। वी हैव कम्प्लीटेड एक्सरसाइज 2.7। जो जो सवाल आप लोगों को कराए गए हैं सबकी क्या कर लेनी है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है। इंशाल्लाह इन्हीं में से ही आपके पास एग्जाम में एक सवाल आ जाएगा कोई भी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.8।